श्री शुक उवाच एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरा दिव्यांबरस्रग्मणिभिः परार्ध्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्युत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथम् प्रसाद्य गरुणध्वजम् ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यताम् सकलत्र सुहृत्पुत्र द्वीपमध्ये जगामः तदैव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहात् भगवतः क्रीडामानुसरूपिणः। श्री भगवान ने कालिय को इस प्रकार कहा, किस प्रकार? जैसा सवेरे कथा हुई थी। भगवान ने कहा, हे सर्प, तुम इस स्थान पर मत रहो, तुम शीघ्र समुद्र में जाओ, रमणक द्वीप में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब यमुना के जल का प्रयोग यहाँ की गौएं और मनुष्य आदि करें। भगवान ने अभी कहा कि कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए इस आदेश को या तुम्हारे दमन को स्मरण में लाएगा दोनों संध्या में, तो उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। और जो भी मनुष्य इस कालिय हृद में, जहां मैं इस प्रकार विहार किया हूं और करूंगा आगे, स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है तथा उपवास करके मेरी पूजा करता है, मेरे गुणों का स्मरण करते हुए, विशेषकर वृंदावन विहार का स्मरण करते हुए, तो वह सर्व पाप ही प्रमुच्यते। और इसके बाद भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जिनके भय से तुम अपना घर रमणक द्वीप छोड़कर यहाँ आए हो, वे गरुण अब तुमको नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर हो चुका है, तुम परम वैष्णव हो गए। एवं उक्तो भगवता, एवं उक्त, इस प्रकार जब कालिय से भगवान ने कहा, कैसे भगवान ने कहा? अद्भुत कर्मा भगवान ने कहा, अद्भुत कर्म है भगवान के। एक कर्म के द्वारा वे कई लोगों का हित करना चाहते हैं। यमुना को निर्विषा और अमृत जला बनाना चाहते थे और गरुण जी के लिए भी व्यवस्था करना चाहते थे कि वे भी ब्रज में आवे वृंदावन, तो उनका आना रुक गया था। कई प्रकार से सबका हित करना चाहते हैं, वृंदावन के वृक्षों का, हरिण आदि पशुओं का, पक्षियों का, जलचरों का भी, सबका हित करना चाहते हैं। भगवान के विहार में श्री जमुना जी का बहुत ही मुख्य स्थान है, तो जमुना जी इस तरह विषैला रहे हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो एक अलौकिक विधि से भगवान ने जमुना जी को शुद्ध किया, इसीलिए इनको अद्भुत कर्म कहा जा रहा है। तो जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दिया कालिय नाग को, तो कालिय नाग अपने संपूर्ण परिवार के साथ भगवान का पूजन किया। सादरम और मुदा, ये सबके साथ लगेगा, केवल कालिय के साथ नहीं। तम पूजया मास, भगवान की पूजा किया, जैसा स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए भगवान का अपने घर में, उस तरह से किया। वही कालिय
शुरू में क्या किया, भगवान उसके घर में आए थे तो डसने का प्रयास किया और अपने शरीर से आविष्टित कर लिया, लेकिन अंत में अब जब भक्त हो गया तो पूजया मास, अब पूजा कर रहा है, तो अपने अंतःपुर में ले गया भगवान को, जहां उसका निवास था, उसकी पत्नियां रहती थी, बच्चे रहते थे, उसमें ले गया, खूब सुंदर पलंग पर बैठाया और चरण धोया। चरण तो ऐसे जमुना में धुले ही हुए थे, जमुना जी उसी समय निर्विष हो गए जिस समय भगवान उसमें कूदे, उसी समय विष खत्म हो चुका था। तो आगे इसका संकेत है, तदैव तदैव कदा, जब काली गया तदा नहीं, जदा कृष्ण हृदय पपात तदाएव, जब कृष्ण हृदय में कूदे थे उसी समय जमुना जी बिल्कुल शुद्ध हो गए, और शुद्ध ही नहीं हो गए, विष तो चला ही गया, अमृत के समान सुस्वादु जल हो गया। तो ले गया काली नाग अपने भवन में, भगवान का चरण धोया, बहुत प्रकार से पूजा किया, चंदन लगाया, और जैसा यहां वर्णन किया जा रहा है, दिव्य स्रग दिव्यांबर स्रग मणि भी, दिव्य अंबर, दिव्य स्रग और दिव्य मणि, यहां दिव्य का अर्थ है कि इस पृथ्वी से भिन्न स्वर्गीय लोक के कपड़े रखा था बक्सा में, वह भगवान को दिया। वस्त्र देवता लोग भी पहनते हैं, केवल भूत प्रेत वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो देवताओं के यहाँ बहुत ही सुंदर वस्त्र होते हैं, कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको आदमी सालों भर पहने लेकिन गंदा नहीं होते, ऐसे वस्त्र वो गंदगी ग्रहण ही नहीं करते और उनमें सिकुड़न भी नहीं होती है, रोज रोज धो और आयरन करो की समस्या नहीं रहती है। देवताओं के लोक में, भगवान के राज्य में तो कहना ही क्या। तो दिव्य का अर्थ है दिवी, स्वर्ग से मंगाया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ कपड़ा रखा। तो कोई प्रश्न कर सकते हैं कि जल के भीतर काली ये सब वस्त्र और ये सब कैसे ये सब रखा है? वो देवता कोटि के हैं, जैसा मैं पहले कह चुका था, इसलिए उनके लिए सब कुछ संभव है। तो दिव्य अंबर दिया पहले, सबसे पहले जो चीज अर्पित किया पूजा करने के बाद, तो उसको कह रहे हैं अंबर, वस्त्र दिया, शायद भगवान का वस्त्र भींग गया होगा इसलिए सबसे पहले वस्त्र बदला। सूरदास जी तो कहते हैं कि न अंबर भींजा था न तिलक गया था कृष्ण का, सब कुछ ज्यों का त्यों। पर वस्त्र दान करना, हम वस्त्र देना, यह पूजा का एक उपकरण है, यहां तक कि पंडित लोग वस्त्र अर्पण करते हैं गणेश जी को चाहे किसी देवता को, और नहीं होता है तो कहते हैं वस्त्र अभाव सूत्रम दे दो, वस्त्र के अभाव में सूता लपेट दो, पूजा हो गई। लेकिन अपने लिए वस्त्र का सद्भाव है, देवता के लिए वस्त्राभाव हो गया। पूजा का यह एक मुख्य अंग है वस्त्र देना। तो काली ने वस्त्र दिया, किस तरह भगवान को पहनाया होगा और ऊपर दुपट्टा लपेटा होगा, उनके गर्दन में रखा होगा और मुकुट बांधा। भगवान इस दिन कोई मुकुट आदि पहनकर नहीं गए थे, क्योंकि जल विहार करना था, तो उसने सब दिया। स्रक, स्रक का अर्थ है रत्नों के हार, रत्न मालाएं दिया, मणि भी, और बहुत सी मणियां दिया मुकुट आदि में, परार्धे रूपी भूषण, और भूषण समस्त अंगों में भूषण दिया, जो सबसे बहुमूल्य भूषण रखे हुए थे वे सब दिया। ये प्रश्न होता है कि कृष्ण के साइज के अनुसार रखा था क्या? नहीं, वो संकल्प मात्र से उस साइज में हो जाते हैं, इसलिए दिव्य शब्द का प्रयोग पहले ही किया गया। दिव्य गहनों में, दिव्य वस्त्रों में कोई दर्जी आदि की जरूरत नहीं पड़ती है नापकर काटने की,
जैसा हम संकल्प करेंगे उसी साइज का कपड़ा हो जाएगा, वैसा ही मुकुट हो जाएगा। तो भगवान को सब कुछ अर्पित किया, दिव्य गंध, दिव्य अनुलेप और महत्या उत्पल मालया और कमल की माला खूब बड़ी सुंदर कमल की माला दिया। महत्या उत्पल मालया, बड़ी कमल की माला। तो कमल हृदय में ऊपर नहीं खिले थे, सब जल गए थे, लेकिन खास जहां निवास था कालिये का वहां कमल था। यह भी भगवान की सृष्टि देखिए कि जहां इतना विषधर सर्प रहता है वहां कमल है। वो अपना भीतर सब पार्क, गार्डन, लान सब रखा था, उसमें कमल लगाया था। बहुत विस्तार से एक योजन हरण था, तो बहुत दूर में उसका भवन था, सब कुछ था, तो उसमें से कमल निकालकर माला बनाई उसकी स्त्रियां, और खूब बड़ी माला। यह महती का अर्थ है चौड़ी, खूब सुंदर और नख तक लटकी हुई माला पहना है। माला अर्पित करना एक पूजा का अंग है, तो सबने किया तो इसका अर्थ है सब अपनी अपनी ओर से दी है, यह समझना चाहिए। कालिये ने प्रथम पूजा किया, इसके बाद उसकी पत्नियों ने बारी बारी से किया, कई पत्नियां थी और बच्चे भी आया करके अर्पण कर रहे थे। भगवान को इतना दिया कि उनसे चला नहीं जाता था गहना का भार, ज्यादा भगवान भगवान है, कुछ भी टांग सकते हैं। तो सज धज करके और अकस्मात जल के ऊपर प्रकट हुए, और जल के भीतर से प्रकट हो रहे हैं, परंतु वस्त्र भींगे नहीं थे, कहीं कोई जल का स्पर्श नहीं था। इतना देखते ही समस्त ब्रजवासी जय जय आनंद में खिल गए, सब प्रसन्न होकर के नाचने लगे। और इसके बाद कृष्ण जल पर चलते हुए आ गए, उनके पद डूब नहीं रहे थे, उस तरह चलते हुए आगे आने के बाद सबसे पहले माँ जसोदा ने कृष्ण को गोद में लिया और कहती थी, तुमको मैं बार बार मना करती हूँ कि जमुना के तट पर मत आओ, भगवान ने बचा लिया। वो लगी देखने कहीं दांत तो नहीं गड़ा है कलियुग का, कहीं तो ये तो नहीं हुआ इधर उधर, और आंखों से आंसू बह रहे थे, दूध चू रहे थे अस्तनों से, लगी देखने सबसे पहले। तो इस प्रकार उसने पूजा किया, पूजयित्वा जगन्नाथम प्रसाद गरुण ध्वजम, जगन्नाथ की पूजा किया और गरुण ध्वज को प्रसन्न किया। ये कहीं व्यक्ति के लिए जगन्नाथ और गरुण ध्वज क्यों कहा जा रहा है? काली जब पूजा कर रहा था तो भक्तिया बिचारा है कि जगन्नाथ है, जब इनकी आज्ञा से रहूंगा तो सारे विश्व में मेरा आदर होगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ ही जगत के किसी एक कोने में आज्ञा कर रहे हैं रहने के लिए, तो इस भाव से पूजा कर रहा था जगन्नाथ की। और प्रसाद गरुण ध्वजम, गरुण जी जिनके वाहन हैं और जिनके ध्वज में गरुण जी का चिन्ह रहता है, और गरुण से ही इसको खतरा है, इसलिए गरुण ध्वज इस भाव से भगवान को बहुत प्रसन्न किया। बारंबार चर्चा करता होगा कि हे गरुण जी के सवार, गरुण जी आपके प्रेमी हैं, हम पर कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई भय नहीं है, गरुण अब तुम्हारे साथ मित्रता करेगा, अब डरो मत। तो गरुण ध्वज का यह भाव, गरुण जिसे सदा के लिए निर्भय हो गया, प्रसाद गरुण ध्वज। ततः प्रीतः बहुत प्रसन्न हुआ और परिवार के साथ भगवान से पुनः आज्ञा मांगा और परिक्रमा किया, परिक्रम्य अभिवंद्य, तीन बार भगवान की परिक्रमा किया पूरा परिवार, परिक्रमा लगा करके इसके बाद प्रणाम करके तब गए। ये भगवान के जाने के बाद गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सभी लीला को एक दिशा से कहना चाहते हैं, अभी मिलन की लीला बाद में कहेंगे,
तो चला गया इसको कह रहे हैं, लेकिन वो पहले नहीं चला गया। जब भगवान गए उसके बाद अपना सामान ठीक किया होगा, बांधा होगा कैसे कैसे, या तो जमुना जी के द्वारा ही ये आगरा इटावा आदि होते हुए प्रयागराज आया होगा गंगा जी में, और गंगा जी के द्वारा सागर में प्रवेश करके फिजी चला गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि रमण फिजी है, जो भी हो जैसा है। तो इस तरह से, अथवा जब दिव्य माला वो दे सकता है, दिव्य वस्तु दे सकता है, तो दिव्य रूप धारण करने में उसको क्या दिक्कत, विमान पर लाद पात कर सब ले गया। यह अर्थ गया लाद पात करे, भोजपुरी शब्द है सब गया। सकलत्र सुहृत पुत्र द्वीप मध्यर जगा महा, सकलत्र सुहृत पुत्र, सबको देख लिया, सभी बच्चे हैं, कलत्र हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी सकलत्र क्यों कह रहे हैं? काली ने ये देखा कि हमारी स्त्रियां भगवान कृष्ण का भक्त हो गई हैं, तो उसने सोचा कि कहीं ये ना हट करे कि हम वृंदावन में ही रहेंगे। हमको तो भगवान नहीं कहे जाने के लिए, हम वृंदावन में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो इसी आशंका का उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं वो जो है सकलत, सारी स्त्रियां चल रहे हैं ठीक है, बच्चे सब चल रहे हैं, तो सबके साथ गया। क्योंकि भगवान ने भी कहा था स्वज्ञात्या पत्दाराढ़्यो, सबके साथ जाना, तो सबको लिया। सकलत्र सुहृत पुत्र, अपने जो बंधु बांधव थे सब, और अभ्य द्वीपम जगामा, समुद्र के द्वीप में चला गया। तदैव से यह तात्पर्य, जब उसी समय जिस समय भगवान जमुना में कूदे थे, जमुना जी निर्विष हो गई, विष चला गया और अमृत जला हो गई, उनका जल क्या था, अमृत हो गया, अर्थात अति स्वादिष्ट स्वास्थ्य वर्धक जल हो गया। निर्विषा भवत, कैसे? अनुग्रहात भगवता क्रीड़ा मानुष रूपिण, जो लीला करने के लिए अपना नित्य नराकार प्रकट किए हैं इस जगत में, भगवान के अनुग्रह से श्री जमुना जी अमृतमय जल वाली हो गई। अब यह कथा सुनकर और भगवान अभी मिलने जा रहे हैं ब्रजवासियों से, उसके पहले महाराज परीक्षित, मतलब इस कथा के सुनने के पहले वे कालिय के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे ध्यान से सुनना चाहिए। प्रश्नों को समझ लेने पर भागवत समझना अत्यंत सुगम हो जाता है। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, नागालयम रमणकम कस्मात् त्याज कालियः, कृतम किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। महाराज ने पूछा, कालियः रमणकम नागालयम कस्मात् त्याज, अपने निवास स्थान रमणक द्वीप को, जो नागों की बसती है, नागों का निवास स्थान है, उसको कस्मात् त्याज, क्यों त्यागा? अच्छा, जैसा आपने कहा, भगवान ने कहा था कि गरुड़ जी के भय से तुम यहां आए हो, तो गरुड़ तुमको नहीं अब सताएंगे। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, गरुण जी का उसने क्या असमंजस किया था, अप्रिय किया था? तेना एक ना, और वैसे जहां तक अप्रियता की बात है या द्रोह की बात है, तो सभी नाग तो द्रोह रखते ही हैं गरुण जी से, कि इसने क्या विशेष रूप से गरुण जी से द्रोह किया था? एक कालिय के द्वारा कौन सा स्पेशल विशेष द्रोह हो गया था गरुण जी का? गरुण जी का इसने क्या अपराध किया था? जैसे लगा कि महाराज परीक्षित जानते हैं कि गरुड़ जी के भय से आ गए, तो गरुड़ जी मारे थे, पीटे थे, क्या किए थे, ये सुनना चाहते हैं। प्रश्न बड़ा गंभीर है,
श्री हरिश्री जी इस पर लिखे हैं एक श्लोक कि महाराज पूछ क्यों रहे हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, कस्मत त्याज काली अपने घर को क्यों छोड़ा, तो नहीं छोड़ने की प्रत्येक स्थिति है इसलिए प्रश्न बन रहा है। तो देखिए शब्द की सहायता से इस तरह लिखते हैं, स्वीय वासतया भयम न नागालयम से करें, नागा नाम आलयम, नागों के निवास के लिए भगवान ने भूमि बनाया तो स्वाभाविक है उनका रहना, तो अपना वास स्थान था इसलिए भय नहीं था, भय से नहीं आया ऐसा लगता है, या भय आया तो क्या भय आया, अपने घर में क्या भय आया, गरुड़ जी का तो निवास स्थान है नहीं, तो नागों का निवास स्थान है, इसलिए सबसे पहले महाराज परीक्षित के श्रीमुख से नागालयम निकल रहा है, नागा नाम आलयम, नाग लोग जहां छिप करके रहते हैं सुरक्षित रहते हैं, लय होता है आलय, नागों की निवास भूमि है रमणक द्वीप, तो वहां भय नहीं है। अच्छा, रमण स्थित्या न चासौष्ठवम च असौष्ठवम, और महाराज परीक्षित रमणक शब्द कहकर के कह दिया रमण ही स्थान है तो असौष्ठव भी नहीं है, वहां कोई दुख भी नहीं है, एक तो अपना वास स्थान है नागालयम और दूसरी रमण रमणक स्थिति है, रमण स्थिति है, रमणक शब्द से कह रहे हैं, तो जो रमणीय स्थान है इसलिए तो उसका नाम रमण द्वीप पड़ा है, रमणक द्वीप विजिट करने लायक है, देखने लायक है रमणक द्वीप है, तो जो बहुत मनोहर है रमणीय है तो उसको रमणक द्वीप कहते हैं, तो मनोहर है तो वहां कोई दुख नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात, कांता संगीतया न चौथर वय, अच्छा यह बात है कि भाई कोई बुढ़ापे में वृंदावन आ जाए तीर्थ करने के लिए तो यह भी बात नहीं है, क्योंकि उसकी बुढ़ापा नहीं आई थी, बारंबार आप कथा में कहते हैं कि अपनी स्त्रियों के साथ था, तो कांता संगीतया न चौथर वय, अगर ये आप कहें कि वैराग्य से रमणक द्वीप छोड़ करके वृंदावन आ गया था तो यह अभी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधा न वैराग्य भी, इधर आप इतना भयंकर क्रोध का वर्णन किए भगवान के प्रति, वो क्रोधी था ये था, तो क्रोधी आदमी वैराग्य कहां से हो सकता है, तो वैराग्य से नहीं आया था, या बुढ़ापा के कारण भगवान का भजन करने के लिए वृंदावन नहीं आया था, दुख भी नहीं था अपने घर में, असौष्ठव नहीं था, और न तो किसी का भय था, अपने घर में क्या भय होगा, भय नहीं था दुख नहीं था, बुढ़ापा नहीं थी वैराग्य नहीं था, और द्वेषम पक्ष अधिपेन चेत सही समह सर्वे सर्वई, और जहां तक पक्षीराज गरुड़ जी से द्वेष की बात है तो सभी सर्पों का द्वेष रहता है, कोई स्पेशल इसी का एक द्वेष यह बात नहीं है, तो द्वेष द्वेषम पक्ष अधिपेन चेत सही समह सर्वेशान, तो तत्कुतस्त्यक्त्वा किए व्या छोड़ करके स्वाश्रमम अपने आश्रम को अपने नगर को गांव को छोड़कर यह वृंदावन क्यों आया, इत्येव नृपस्य आशय, ये महाराज परीक्षित का आशय प्रश्न बनता है, प्रश्न का कारण है इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न के ये कारण हरिश्वर जी उद्भावित कर रहे हैं, आवास स्थान से रमण स्थिति से स्त्रियों के साथ होने से और क्रोध से तथा गरुण जी से स्वाभाविक द्वेष होने से कोई कारण बनता नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ दूसरा कारण होगा, तो क्यों त्यागा, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री सुकवाच उपहार जही सर्पजनैर मासी मासी हयो बलिहि वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राण निरूपितः, गरुड़ जी के आकस्मिक आक्रमण से
भयभीत होकर नागों ने आपस में इष्ट गोष्ठी किया कि गरुण जी के लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था कर दे, सब मिलकर चंदा लगा रहे, और 15 दिन पर एक दिन गरुण जी के लिए 2-4 ट्रक चाहे 1000 ट्रक जो भी भोजन हो, एक जगह वानस्पत्यम बलि। वानस्पत्य बलि का अर्थ है वनस्पति, वृक्ष से संबंधित, मतलब फल, अर्थ फैला दे, फल की बलि देना चाहते थे। तो सबने मीटिंग किया कि 15 दिन पर इतना टन या इतना मन जो भी होगा हम सब फल जुटाएंगे, घर घर से बंधा रहेगा और ले जाकर के दे दो। और वनस्पति का एक अर्थ है वनस्पति मूल है, कोई बहुत बड़ा वृक्ष होगा जिस पर आकर गरुण जी बैठते हों कभी, तो उसके मूल में सब रखा जाएगा सामान। और सर्प जनई, यह सर्पाणाम जनई दास है, कुछ सर्प के नौकर जाते थे तो गरुण जी वो फल भी खाते थे और नौकरों को भी खा जाते थे, सर्पों को खा जाते थे, अथवा केवल सर्प केवल फल खाते थे। तो नागों ने ये प्राण निरूपित बहुत पहले यह नियम बनाया था, अपनी सुरक्षा के लिए देते थे। तो यहां पर महाराज परीक्षित को महाबाहो संबोधन कर रहे हैं कि हे महाबाहु परीक्षित, जैसे आप बहुत से राजाओं को जीतते हैं और वे राजा लोग आपके भय से आपको कर देते हैं, उपहार देते हैं, इस तरह से गरुड़ जी को ये नाग लोग उपहार दे रहे हैं। महाबाहु शब्द का यह अर्थ ये स्वाभाविक। तो यह क्रम है, कुछ दिन चला होगा, लेकिन जब कालिए की बारी आई, भाई आपके घर से गरुण जी के लिए इतना भोजन चाहिए, तो उसने कहा, अथवा शुरू में ही ऐसा लग रहा है कि प्रारंभ में ही कालिए ने विरोध किया और कहा कि कोई भी गरुण को एक भी फल दे दिया तो मैं खा जाऊंगा उसको। गरुड़ कौन होता है, कौन सा राजा है, हमारे कुल के साथ क्या संबंध है उसका, क्यों इतनी जबरदस्ती करेगा, हम नहीं देंगे उसको कर, उपहार नहीं देंगे। विषवीर्ज मदाविष्ट, उसके पास बहुत ही भयंकर विष था, उस विष के वीर्ज से प्रभाव से वह मद में हो गया था, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसको भूल गया था, और कद्रु का पुत्र था इसलिए और द्रोह था उसके मन में। गरुण जी विनता के पुत्र हैं और कालिए कद्रु का पुत्र है, तो इन लोग दोनों में बहुत सौतिया डाह चला है, बहुत शास्त्रों में कथा है, कद्रु बीन तही दीन दुख तुम ही कौशिला देव, मंथरा कह रहे कैकई से कि जैसे विनता को कद्रु ने दुख दिया था वैसे कौशल्या तुमको खूब दुख देगी, अपने बेटा को राजा बनाने जा रही है और भरत को कारागृह में रहना पड़ेगा और तुम दासी बनकर के कौशल्या की सेवा करोगे और लक्ष्मण जी मंत्री बनेंगे राम का, फिर कहां देख रही हो, अभी भी समय है कुछ करो। इस तरह से क्षत्रिय के कुल में जन्म लेकर के भी राजनीति नहीं जानती हो, मैं जानती हूँ राजनीति, वाल्मीकि रामायण वो कहते हैं मंथरा बहुत रस, तुम जब ननिहाल भेजने लगी भरत को तो शत्रुघ्न को क्यों भेज दी, क्यों नहीं रखी यहाँ पर, शत्रुघ्न यदि रहता तो राम के राज्याभिषेक में बाधा देता है, भरत का पक्ष करता है, लेकिन तुमने दोनों को भेज दिया। तो इस प्रकार से मंथरा ने सौतों के बीच कैसे कैसे युद्ध हुआ था, लड़ाइयां हुई थी, मतलब बहुत सताया गया था, इसी की कथा कह रही थी और सौतिया डाह उत्पन्न कर रही थी कौशल्या और कैकेयी जी में, और हो भी गई, सफल हो गई। तो काद्रवेय यहां शब्द सुखदेव को समझ दे रहे हैं, क
कद्रु का पुत्र काद्रवेय, तो ऐसे ही कद्रु का पुत्र था और कद्रु और विनिता में घोर लड़ाई चलती थी। इस कारण से गरुण जी गलत कर रहे थे यह बात नहीं है। सुखदेव उसमें दो कारण दे रहे हैं द्रोह करने का गरुण जी के साथ, इसलिए कि इसके पास विष का वीर्य था और दूसरा एक कद्रु का पुत्र था, इस कारण से अपने मां के संबंध से कद्रु के लड़के से विनता के लड़के से द्रोह कर रहा है। ये सोचकर हम क्यों उसके आगे झुकेंगे, अपने कैसा है चल रहा है चल छे चल रहा है कौन चला रहा है, जब ऊपर वाला चला रहा है और कौन चला रहा है चल रहा है चल रहा है इस तरह से। तो काद्रवेय रोक दिया, यहां लाइट है ना, आगे लाइट दीजिए कि नहीं है। पहार गरुड़ जी को स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि, पर्व कहते हैं 15 दिन को, पंच दस, दस और पांच 15 पर्व। तो नाग अपना अपना अपने अपने परिवार से गरुण जी के लिए खूब फल देते थे, चाहे खरीद करके दे चाहे अपने बगीचा में से दे जहां से दे, ऐसे खरीद करके नहीं देते थे, सबके पास पर्याप्त फल रहता था और वे भेजते थे। क्यों? गोपी था आत्मनः सर्वे, अपनी रक्षा के लिए देते थे। जैसे ऊपर आपने सुना कि काली ने भगवान की पूजा किया तो मुदा साधारण, लेकिन ये लोग जो गरुण जी को देते थे अपनी रक्षा के लिए देते थे, प्रेम से नहीं दे रहे थे। ये कभी नहीं सोचे कि भगवान के भक्त हैं, इनको भूख लगती है और हम लोगों के पास पर्याप्त बगीचा है, बहुत बड़ा बड़ा बगीचा है उन लोगों के पास, पंचम स्कंद भागवत में वर्णन है, बहुत घना बड़ा बड़ा बगीचा और पक्षी हैं तो स्वाभाविक फल खाएंगे गरुण जी। भूख लगने पर भी 15 दिन के बाद आते होंगे, तो महीने में 2 बार आए, साल में 24 बार आए, कौन ज्यादा हुआ बताइए, कोई ज्यादा नहीं। अथवा हो सकता है एकादशी को आते होंगे फलाहार करने के लिए, वैष्णव है तो तो स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति, अपना अपना भाग देते थे। गोपी थाय आत्मनः, अपनी रक्षा के लिए, सुपर्णाय महात्मन, महात्मा सुपर्ण को, महात्मा गरुण जी को देने आते थे। सुखदेव गोस्वामी महात्मा क्यों कह रहे हैं? महात्मा का अर्थ है महाप्रभावमय, देना ही था उनको, बहुत बड़ा भय था कि भगवान है, और दूसरा अर्थ है कि उनके दिए हुए फल को खा करके ही संतुष्ट आए, जो संतुष्ट रह जाते थे, वास्तव में महात्मा थे। कर्तव्य तो उनका यह था कि सांपों को पकड़ कर खाया करें, लेकिन फल खा करके ही रह जाते थे, इसलिए महात्मा, सुपर्णाय महात्मा ने, महात्मा सुपर्ण को गरुण जी को लोग देते थे। विश्वीर्ज मदाविष्ट काद्रवेस्तु कालिया कदर्थी कृत गरुणम स्वयं तम्बुझे बलि, विष के बल से घमंड में हो गया था कालिये और कद्रु का पुत्र था, इसलिए उसने गरुणम कदर्थी कृत, गरुड़ जी का तिरस्कार करते हुए और सबको मना किया, और मना करने के बाद भी कोई भय के मारे बलि ले जाता था तो ले जाने वाले को ही कालिये खा जाता था। सर्प सर्प को खाते हैं, मछलियां मछली को खाती है, स्वभाव है उनका। तो जो सर्प सर्पों का भोजन करते ही हैं, तो गरुण जी 15 दिन पर आकर के एक सर्प खाएं तो कौन गलत है बताइए, कोई गलत नहीं है। तो यह स्वयं तम बुझे बलिन, कालिये स्वयं ही सारा भोजन, केवल फल ही नहीं और भी पूरी जलेबी जो भी बनता था गरुण जी के लिए सब खा जाता था, दूध आदि सब पी जाता था, और जो नाग ले जाते थे उनको भी खा जाता था। अब बताइए इसकी कितनी गलती, स्वयं तम बुबझे बलि, स्वयं खा जाता था, और ऐसा नहीं कि भूख के कारण या आवश्यकता समझ करके,
कदर्थी कृत्य गरुणम, गरुण जी का अपमान करके तिरस्कार करके खा जाता था, उसको क्यों जाएगा भोजन। और गरुण जी आए जब बैठे पेड़ पर तो देखते हैं कि भोजन नदारत है, आज कुछ नहीं नीचे आया, भूख से व्याकुल हो करके। और सालमली वृक्ष से किसी द्वीप विशेष में सालमली वृक्ष नहीं, दूसरा साथ कौन सा वृक्ष है, उस पर गरुड़ जी बैठते हैं बहुत बड़ा। तो इसी ब्रह्मांड के भीतर जैसे भगवान इस जगत में अवतार लेकर परमात्मा आदि के रूप में रहते हैं, वैसे गरुड़ जी भी इस जगत में रहते हैं। तो ये आया करते थे 15 दिन पर। भाई रोज आते तो कहा जाता कि गरुड़ जी की गलती है, 15 दिन के बाद एक दिन फल खाने के लिए आ रहे हैं, कौन गलती कर रहे हैं। लेकिन जब वो आए भूख से व्याकुल होकर के तो देखते हैं कि भोजन नहीं है। अंत में इन्होंने पूछा, कुछ नाग घूम रहे होंगे, क्यों क्या बात है, तो उन सब ने कहा कि काली मना किया है, काली मना किया है। तो गरुड़ जी पूरे समझ गए तो माता कद्रु का पुत्र है। तो गरुण जी को क्रोध हुआ, उन्होंने सोचा कि इसको कुछ डांट डपट करना चाहिए, अपने भोजन की व्यवस्था तो करनी है ना किसी तरह से। तो गरुण जी उसको मारे, ये कथा आगे आ रही है। उसके बाद गरुण जी का रेगुलर भोजन 15-15 दिन पर चालू हो गया, लेकिन ये काली भाग गया वृंदावन। ये कथा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। देखिए, तच्छुत्वा कुप्तो राजन भगवान भगवत प्रियः विजिघांसुर महावेगः कालियम समुपाद्रवत्। कालियम समुपाद्रवत्, तच्छुत्वा इस बात को सुनकर कि कालीय ने हमारा भोजन रोका है, उपहार रोका है, तो भगवान तो ऐसे ही भगवान है, महान ऐश्वर्यवान शक्तिशाली, और उस पर भी भगवत प्रियः, भगवान के प्रिय है, या प्रिय को अलग भी कर सकते हैं, स्वयं भगवान है और भगवान के प्रिय है, भगवान विष्णु के प्रिय बाहर। तो इस कारण से ये चले मारने के लिए, इस कारण से कि इसमें इनमें बहुत बल है। और तक कुपित हो, कुपित हो गए। आप सहज विचार कीजिए कि कोई आदमी कई दिन से भूखा है और आशा दिया गया हो कि यहाँ आइएगा आपको प्रसाद मिलेगा, और वहां जाए तो ये पता लगे कि बिल्कुल भोजन नहीं है, इसकी क्या हालत है। तो वैष्णव होने से क्रोध नहीं करेगा बताइए, तो कुपित गरुण जी कुपित हो गए। और विजय घांसुर महावेग, उनकी तो महान वेग है, उसको विजय घांसु, जिघांसु शब्द नहीं दिया गया, विजय घांसु का अर्थ है उसको कुछ मारने के लिए, पीटने के लिए चले महा कालियम समुपाद्रवत, काली के पास चले। पल तो वृक्ष दूर था गांव से, नगर से बहुत, वहां बैठते थे। अब आए आकाश में उड़ते हुए, विशाल पंख है, विशाल शरीर गरुड़ जी का। तो जब आए तो सब सांप समझ गए कि क्यों आ रहे हैं, कालियो तो समझ गया। तो कालियो को चाहिए था कि अभी भी क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा नहीं मांगा, अपने 1000 फणों को उठा करके कहा हम देख लेंगे इसको, खत्म कर देंगे गरुण को डस कर। उसको बहुत घमंड था अपने बल पर। जो व्यक्ति घमंड में हो जाता है, वास्तव में अज्ञान में रहता है, वह बड़े लोगों के प्रभाव को ठीक ठीक समझ नहीं पाता है। गरुण जी के आगे वो कुछ भी नहीं था, लेकिन कालिए कोई विश्वास था कि मैं इनको डस दूंगा, ये मर जाएंगे, इस तरह से खड़ा हो गया मुकाबला करने के लिए। तमा पतंतम तरसा विषायुध तत्व दयादुच्छित नहीं को मस्तक, जिसके एक नहीं अनेक मस्तक थे, वह देखा गरुड़ आ रहे हैं, तो इसके पास भी आयुध है, क्या विषायुध, वह प्रचंड असह्य महामारक विष ही इसके पास आयुध था। उसने सोचा कि कहीं भी अवसर पाकर के अगर शरीर में कहीं डस दिया तो गरुड़ को समाप्त होना है। उसकी कोई दवा नहीं थी, गरुड़ जाकर के कहीं डॉक्टरी में चिकित्सा कर लेंगे, इतना उसका अभिमान था। वास्तव में
कालिये के पास इतना भयानक विष था, इतना कि केवल जीभ से चाट दो किसी व्यक्ति को तो मर जाता था। डसने की बात दूर है, दांत गड़ाने की जरूरत नहीं होती थी। कराल जिहवा उच्छ्वसित उग्र लोचन है, यहाँ पर वर्णन आ रहा है। उसकी कराल जिहवा थी। कराल जिहवा का यह अर्थ है कि स्पर्श मात्रेण हिंसिका, स्पर्श मात्र से वो समाप्त कर देती थी किसी को, ऐसी कराल जिहवा थी। और उच्छ्वसित उग्र लोचन, उग्र लोचन, उग्र लोचन का अर्थ है कि उसके आंखों से विष निकलते रहते थे। ये दूर से ही वो आंख से देख देता था तो विष जाकर के उस आदमी पर पड़ जाता था, ऐसा भयावह। तो क्यों गरुड़ से दबे, लड़ने के लिए तैयार होगा? उत्थित नहीं कमस्तक, उत्थित नहीं कमस्तक, अनेक मस्तकों को उठा करके गरुड़ जी को डसने के लिए चला। दद्भि सुपर्णम व्यदसत ददायुध, दद आयुध, कालिये के लिए दो नाक विशेषण दे रहे हैं। दद आयुध, दद माने दांत, दांत उसके पास आयुध, विष दंत और विष तो आयुध था ही, अथवा नखायुधम, एक गरुण जी के लिए शब्द रखा जा सकता है। वो विषायुध है और गरुण जी नखायुध है, वो अपने पंजे से मारते हैं, पंख से चोंच से जो ही मारे। यहां दोनों शब्द कर्ता एक वचन में रखा गया, विषायुध और ददायुध। काली के पास और कोई हथियार नहीं था, और कुछ लेकर के खड़ा नहीं हुआ, धनुष बाण गदा परिघाति होते हैं चक, ये सब नहीं लिया। बहुत बड़ा अभिमान उसका अपने विष पर था और अपने विष दंत पर, तो उसको लेकर के खड़ा हो गया। एक सौ एक फण थे, तो उसने सोचा कि गरुण कहीं मान लिया दो चार फण पर इधर मारेंगे तो इस फण से काट देंगे गरुण को। भगवान को भी ऐसा ही वो करना चाहता था, इतना विष प्रभाव। कभी कभी कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो किसी को काट देते हैं, ये कहीं फण होते हुए तो एक सौ एक फण हो तो कैसा डसेंगे, सीधे झगड़ा में काट देते हैं दांत से, ऐसा देखा गया। तो ददायुध दिशायुध, तो गरुड़ जी को डसने के लिए चला, उठकर खड़ा हो गया लड़ने के लिए। सुपर्णम व्यदसत, डस दिया, कर डस दिया मतलब वर्तमान समय पे वर्तमानगत, डसने के लिए चला, इसका ये अर्थ है। डसने के लिए चला, कराल जिह्वा उच्छ्वसितोग्र लोचना, भयंकर जीभ है, चाटने मात्र से कोई जीव मर सकता था, और उग्र लोचन। लेकिन ये भी तारक्ष पुत्र हैं, बहुत बड़े ऋषि के पुत्र, तारक्ष कश्यप जी को कहते हैं। त्रिक्ष का अर्थ है मरीची, और मरीची के पुत्र को तारक्ष कहते हैं, और तारक्ष पुत्र गरुण जी। तंतार्क्ष पुत्र स निरस्य मन्युमान, गरुण जी तो क्रोध में थे और पहले से ही समस्त सर्प के कलाओं को जानते थे कि सर्प किस तरह से डसते हैं, कहां से डसेगा, तो उन्होंने निरस्य उसको निरस्त कर दिया। उसके 1000 फणों को तो निरस्त कर ही दिया, वो डसने चला लेकिन उसको निरस्त किया, जैसे भी किया होंगे। और उसके बाद अपने बाएं पांख से इतना जोर से मारे कि विकराल आंधी जैसी आ गई, और वो तो बेहोश होकर के छटपटा करके गिरने लगा। अब डसने की बात भूल गया, अब अपना होश संभालने की उसके सुधी नहीं रही, इतना जोर से मारा गरुण जी ने। यदि गरुण जी के लिए यह कोई जोर लगाना नहीं था, उन्होंने उपेक्षा से मारा हल्का, लेकिन कालिये के लिए गरुण जी का एक तमाचा काफी था। पक्षी मारते हैं पंख से, ये पक्षी का आयुध है पंख, पक्षी कहते ही है पंख वाला, पंख ही उनके पास हाथ है चाहे कुछ भी है, उसी से उड़ करके जाते हैं, कहीं खाते हैं पीते हैं। तो गरुण जी पक्षी राज है, तो उन्होंने मारा पक्षेण सब देना। अच्छा, गरुण जी कैसे हैं,
मधुसूदनासन है, प्रचंड वेग हो, उनका वेग ही बहुत प्रचंड है, प्रहार कर दे तब तो कहना ही क्या। गरुड़ जी जब चलते हैं और किसी असुर पर हवा लग जाए तो गिर कर मर जाएगा, इतना वेग से चलते हैं। सो प्रचंड वेग कहा गया, और कहीं प्रहार कर दे तब क्या होगा। तो इस प्रचंड वेग का अर्थ है, और वो भी मधुसूदन आसन, मधुसूदन के आसन है। इसका अर्थ है जिस समय भगवान मधु दैत्य का वध कर रहे थे उस समय गरुड़ जी पर चढ़े थे और गरुड़ जी उनकी खूब सहायता कर रहे थे भगवान की मार सके। तो जो मधु दैत्य को मारने में सहयोग दिए थे वे आए हैं मारने कालिये को दंड देने। तो उन्होंने क्या किया, पक्षेण सब्बेन हिरण्य रुचिसा, स्वर्ण के समान चमकते हुए पंख से, बाएं पंख से, सब्य पक्ष से गरुड़ जी ने जघान मारा थप्पड़ उसको, जघान कद्रुसुतम उग्र विक्रम। जघान का अर्थ है केवल ताड़ित किया, जान से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ जी ने सोचा कि कद्रुसुतम हमारे ही माँ का पुत्र है, भाई है, इसलिए इसको जान से नहीं मारना, महात्मा है ये, विचार करके मार रहे थे। तो उनका उग्र विक्रम है, बहुत भयावह पराक्रम है, लेकिन जान से नहीं मारना चाहते थे, केवल दंड दिए। हरीश्वरी जी इस पर पक्ष शब्द पर लिखे हैं कि भगवान के भक्त अपने द्वेषी पर का भी पक्षपात करते हैं। गरुण जी पक्षपात किए, पक्षपात का अर्थ है पंख का पात करना, मारना, लेकिन एक पक्षपात का अर्थ है पक्ष लेना। गरुण जी ये कह रहे थे मानो कि मैं काली का ही पैसी हूं, इसका पक्षपात किया हूं। इसी पक्षपात से तो वृंदावन चला गया, नहीं तो वृंदावन थोड़े सुलभ था उसके लिए। किसी भक्त का तमाचा लगने से कोई वृंदावन चला जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। किसी कारण से मान लीजिए कोई मारा, या अपने पत्नी से रुस करके या घर में झगड़ा करके वृंदावन चला जाए तब भी ठीक है। कालिये का, कालिये के लिए यह टिकट था गरुड़ जी का मारना है, और भागा उसके बाद तो अपना बाल बच्चा लेकर के वृंदावन चला गया। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बातों को समझना चाहिए। क्यों पक्ष शब्द ही आया, और भी आ सकते थे पंख के पर्यायवाची शब्द, लेकिन गरुण जी महात्मा हैं, भगवान हैं, तो उन्होंने पक्षपात किया। शायद गरुण जी ने सोचा क्यों यहां रह रहे हो सांपों के साथ, चलो वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन में गरुण जी जाते भी नहीं थे। जो कुछ भी हो पक्षपात शब्द पर ये भाव लिखा गया है। तो जघान कद्रु सुतम उग्र विक्रम, सुपर्ण पक्षा भी हतः कालियो अति अभिहला। जब गरुड़ जी ने पंख से मारा तो कालियो अति अभिहला बहुत दुखित हुआ, बहुत घाव लगा उसको, और हरदम विवेश कालिंद्या तदक गम्यम दुरासदम। उसी दिन अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के भागा और आकर के वृंदावन के इस दह में घुस गया। उसी समय से उसका नाम काली दह पड़ा, वो आकर के विदेश बिल्कुल प्रवेश कर गया। क्यों तदगम्यम तस्य गरुणस्य अगम, गरुण वहां नहीं जाते थे, गरुण के लिए वो अगम्य स्थान था, और दुरासदम अन्यों के लिए भी दुष्प्रवेश था। दूसरे लोग तो डर के मारे नहीं जाते थे, इतना गहरा था, भयावह था, दूर से ही रहते थे। तो दुरासदम अन्यों के लिए कहा गया है, और दुर्गम गरुण जी के लिए कहा गया, वहां वो जा ही नहीं सकते थे। दुर्गम गकार तो जाना, गरुण जी उसकी सीमा से बहुत दूर ही रहते थे। कालिये को इस बात का पता था, तम कालिया परम वेद, बाद में वो कथा आएगी। तो इस पर मानो प्रश्न बनता है कि गरुड़ जी के लिए वो हृदय अगम्य क्यों था,
क्यों नहीं गरुण जी जाते हो, तो भगवान के प्रिय पार्षद हैं, आसन हैं, तो दुनिया वृंदावन जाती है और भगवान के पार्षद वृंदावन नहीं जाएंगे। क्या बात हो गई थी, क्यों अगम्य था। यहाँ प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी प्रश्न की संभावना करके स्वयं उत्तर दे रहे हैं। अथवा कथा सुनते समय महाराज परीक्षित ने ऐसे कहा होगा कि क्यों नहीं गरुड़ जी जा सकते हैं, ऐसा भाव व्यक्त किए होंगे, तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं यह कारण तद अगम्य। इस पर हरिश्वरी जी ने एक श्लोक लिखा है, शत्रु छिद्रानवेषणे यो अपनिद्रह सद्राक तस्मा जायते जात भीति तार्क्ष्या गम्यम जत पदम वीक्ष मंक्षु तत्रा गत्य स्वास्थ्यं आपूरगेश। अपने शत्रु के कमी को, छिद्र को जो व्यक्ति सर्वदा ढूंढता रहता है वह सुख से रहता है। कालिय के शत्रु गरुण जी थे, तो गरुण जी की कहां कमजोरी है ये पता लगाता रहता था, पूछता रहता था लोगों से कि गरुण का इतिहास, इसकी कमी कहाँ है, तो पता लगा कि ये वृंदावन नहीं जाता है, उसको पता लग गया है बहुत पहले से, जब से बैर खाना होगा तब से सब पता लगा रहा होगा, जान गए थे। सौभरी ने साफ दिया है ये काली दह में नहीं जा सकता, वृंदावन गरुण नहीं जा सकता है। तो हरिश्वर जी लिखते हैं कि इस तरह से देखिए, अपने शत्रु के छिद्र का अन्वेषण करता रहा तो एक दिन काम आ गया। तो गरुण के भय से निश्चिंत रहेगा, वो भी तीर्थवास भी होगा, वृंदावन वास होगा और गरुण भी नहीं आएंगे, बहुत अच्छा हुआ इसके लिए। तो शत्रु छिद्रान्वेषण यो अपनिद्रह, शत्रु की कमी को ढूंढने में जिसको नींद भी नहीं आती, मतलब सावधान सदा है, तो वह व्यक्ति सुख से रहता है। तो काली ये पता लगा लिया था और किसी को नहीं बताया था, और सर्पों को नहीं बताया था, नहीं तो सब भाग करके वृंदावन आ जाते। यहां लिखा गया है तम परम कालियम वेद, केवल काली इस बात को जानता था कि गरुण के लिए वह अगम्य स्थान है। बहुत सुंदर राजनीति बता रहे हैं हरिश्वरी जी। तो गरुण जी की कमी को पहचानना जानना बड़ा कठिन था, लेकिन एक कमी थी और नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो गया, उनके लिए दुर्गम था तो वहां गया। अब प्रश्न जो मन में उठता है, भाई क्यों गरुण जी के लिए अगम्य था, तब अब कह रहे हैं, तत्रै कदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्य निप्सितम निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत। एकदा एक समय तत्र उसी काली हरद में गरुड़ जलचरम भक्ष्यम इप्सितम, गरुड़ जी वहां गए थे और वैसे वो रेगुलर विजिट करके वहां मछली नहीं खाते थे, अमृत का कलश से छीन करके पाताल लोक से वे जा रहे थे। तो कुछ कदम में वृक्ष पर बैठे, उस पर कलश रखे, शायद उसी का एक दो बूंद चू गया था तो अमर हो गया। तो वहां थे, थके थे, बहुत दूर उड़ करके आए थे, तो देखे एक मत्स्य को, बहुत मोटा तगड़ा मत्स्य था काल हरद में कालीदह में, अभी उसका कालीदह नाम नहीं पड़ा था, पता नहीं क्या होगा, जमुना हरद कहते होंगे। तो देखे, भूख लगी ही थी और ऐसे स्वाभाविक ही मछली खाते हैं, हाथी खाते हैं, सांप खाते हैं, तो स्वाभाविक भोजन है। हम लोगों को मनुष्यों का नियम गरुण जी पर नहीं लादना चाहिए। तो देखे देखे तो कोशिश किए, मड़राने लगे कि पकड़ करके खा जाए। तो सौ भरी जल के भीतर तपस्या कर रहा था, एक मुनि था। यहाँ पर मुनि शब्द भी सुखदेव को सामने नहीं कह रहे हैं, उससे रंज है, गरुण जी को साथ दिया इसलिए केवल सौ भरी कह रहे हैं। सौ भरी जी जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, जल के भीतर थे और जल उनके चारों तरफ दीवार जैसे खड़ा रहता था,
वो छूता नहीं। तो जगत के उपद्रव से डिस्टर्बेंस से उब करके सोचते थे एकांत में समाधि लगाएंगे या भजन करेंगे जो भी करना है। वृंदावन में यह भजन की पद्धति नहीं है, लेकिन वो अपने मन से आकर के वैसा कर रहे थे। वृंदावन तो परिक्रमा करनी चाहिए और सब जप करना कीर्तन करना। पानी में डूब करके और अभी ध्यान क्या करते थे, मछलियों को देखते थे। ये कौन सा तप है? नौम स्कंध में कथा है वहां थोड़ा विस्तार से। तो गरुण जी आए मरनाने लगे तो उनके पंख की विशद छाया आदि देख करके तो तुरंत सौहरी देखा और समझ गया और उन्हें कहा ये देखिए इसका साहस, भगवान के वाहन को कह रहा है कि नहीं तुम नहीं खा सकते। तो गरुण जी से तीनी मुनि की बात पर क्या ध्यान दे, और उनको भूख लगी थी। प्रसह्य क्षुधित आहरत, प्रसह्य आहरत, आए और झपट करके पानी से ले लिए मछली को, मत्स्यराज को। क्यों ले लिए? क्षुधित, भूखे थे। सुखदेव गोस्वामी कथा में गरुण जी के दोस्त नहीं कह रहे हैं, क्षुधित थे, भूख लगी थी, ले लिए खाने के लिए। प्रसह्य भला क्षुधित आहरत भक्षम इच्छितम। पहले तो चाहे, ये तो कर्तव्य सौभरी का ही था कि भगवान के वाहन आए हैं तो कहे कि आइए आइए इसमें से खा लीजिए, जल के फल खा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मछली जल का फल जो कुछ भी है। तो भगवान आकर के चाह रहे हैं, जिन्होंने मछली बनाया है सब कुछ बनाया है वही आकर के एक मत से खाना चाहते हैं। तो पत्रक्त छिन्म, तो वो रोका, बताइए तुम तपस्या करने गए हो, जल के भीतर तप कर रहे हो और एक वैष्णव राज को भोजन नहीं करने दे रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती थी उसकी, यह अपराध। फिर भी गरुड़ जी नहीं माने, खा गए। तब दूसरा महा अपराध देखिए उसका, जितनी तपस्या किया था, भजन किया था, ध्यान किया था, सारा बल लगा दिया गरुड़ जी को साप देने में। कहता है मीनान शुद्ध फितान दृष्टवा दीनान मीन पतौ हते, मीन पतौ हते, मीन राज के मारे जाने के बाद मछलियां दीनान हो, दीन हो गए, रोने लगे सब। जब गरुण जी खा गए मत्स्य को, महामत्स्य को, तो और मछलियां दीन हो गई, रोने लगी, छटपटाने लगी। दीन इसलिए कह रहे हैं कि अब बेचारी जल से बाहर जाकर गरुण से झगड़ा नहीं कर सकती थी, दीन थी, रो रहे थे। और ऐसा नहीं है कि वो सौभरी से कुछ कह रही थी, सौभरी उनके दुखित चित्त को समझ गया। जो जल के भीतर रह रहा है कि अब मछलियों के भाव को नहीं समझेगा, बहुत बड़ा तपस्वी था, जोगी था, तो सब समझ गया कि तो रो रही है ये नहीं। तो उन मछलियों की दीन दशा को देख करके सौभरी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई, गरुण जी के प्रति दया उत्पन्न नहीं हुई, मछलियों पर दया उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनको अपना नेटिव पड़ोसी समझता था, ये हमारे हैं। ये कहो कि भगवान के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्षेम आचरण, यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सौभरी ने सोचा कि ऐसा करने से मछलियों का हित होगा, कल्याण होगा, ये सुरक्षित रहेंगी, निर्भर रहेंगी, इसलिए उसने साथ दिया गरुण जी को। कृपया सौभरी प्राह, उन पर कृपा किया मछलियों पर, और कृपा करके कहा अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान सखादति सद्य प्राणेर विजुज्यत सप्त मेतद ब्रवीम्यहम। रहा हूं इतना बड़ा तपस्वी, इस प्रत्यक्ष क्षेम आचरण, कितना बड़ा गलत काम कर रहा है सौभरी, इसका पता नहीं। वो मछलियों का हित नहीं कर सका, गरुण जी का वहां नहीं आना कारण बन गया कालिए का आना, आने का, और कालिए के आने पर एक भी मछली नहीं रह गई, सब मर गई विष जल से, यही कल्याण किया।
और ऊपर पक्षी भी झुलस कर गिर जाते थे, पेड़ पौधे सब झुलस जाते थे और सब। गरुड़ जी का वृंदावन में नहीं जाना, सभी प्राणियों पर विपत्ति आ गई और अपनी बुद्धि से सौभरी हित कर रहे थे मछली को। तत्रत्य क्षेमम आचरण, तत्रत्य मतलब तत्रत्य नाम जलऊ कसाम, क्षेमम आचरण कल्याणम आचरण, बहुत अच्छा किया, ऐसे सब सुरक्षित रहेंगे, सुख से रहेंगे ही रहेंगे। जबकि हरिश्रु जी कहते हैं कि सौभरी को पता था कि जलचर जलचर को खाते हैं, वही मत्स्य अपने से छोटे मत्स्यों को खा जाता था और कोई तिमिंगल आदि हो तो उसको आकर खा जाएगा। जलचरों में एक दूसरे को खाना यही प्रसिद्ध बात है, इसको जानता था, लेकिन भगवान के बाहन आकर के एक मछली खा जाए तो अभी कल्याणकारी योजना और संस्था बना रहा है, हित करना चाहता है। कहीं भी तपस्वी है, योगी है, तो उसके जीवन में भगवान की सर्वोपरि महत्ता रहनी चाहिए, भगवान के संबंध से गरुड़ जी का आदर करना चाहिए था, सौभरी का एक कर्तव्य था। ये आदर नहीं करता तो कम से कम बोलता नहीं, उनको साथ नहीं देता, जो इच्छा करे वो करे। तो बड़े बड़े महान पुरुष जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं उनके कार्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, वे जो करते हैं वही धर्म है। सौभरी अपने समाज से धर्म करते थे। हरिश्री जी ने लिखा है कि ठीक ही शास्त्रों ने बार बार कहा है कि धर्म से तत्व निहितम गुहाया। सौभरी सोच रहे थे कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन धर्म कितना उनसे दूर था, नहीं पहचान पाए। महाराज युधिष्ठिर